हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने पिछले अध्यायों में चर्चा की थी प्रतिवेदन और विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन किस तरह से लिखे जाते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनको लिखने का क्या उद्देश्य है, इन सब पर हमने इनके सभी पहलुओं पर हमने चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे परियोजना प्रतिवेदन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि परियोजना कहते किसे हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसके लिए हम एक रूपरेखा सी बनाती हैं कि उसके लिए हमें किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी या कैसे हम उसको शुरू करने के लिए हमें किन किन स्टेप का ध्यान रखना होगा, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा भविष्य में या इसके क्या नुकसान होंगे, इस तरह की बहुत सी योजनाएँ बनाकर किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है और इसी कार्य को हम कहते हैं परियोजना। और जब हम इसे प्रतिवेदन के रूप में लिखते हैं तो वह कहलाता है परियोजना प्रतिवेदन। आज के अध्याय में हम इसी परियोजना प्रतिवेदन पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं परियोजना प्रतिवेदन क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या उद्देश्य है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा परियोजना प्रतिवेदन कहते किसे हैं। दोस्तों, इसका अर्थ है परियोजना प्रतिवेदन शुरू की जाने वाली प्रस्तावित योजना के संबंध में विभिन्न तथ्यों, सूचनाओं तथा विश्लेषणों का सारांश होता है। यानी कि जो हम प्रतिवेदन तैयार करते हैं, परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते हैं, उसमें जो हमने सोची है, जो भी परियोजना हमने बनाई है, उसके बारे में जो भी तथ्य हैं उससे संबंधित जो भी सूचनाएँ हैं या जो हमने आंकड़ों का विश्लेषण किया है या जो आंकड़े फाइनल हमारे पास आए हैं, इन सब बातों का सारांश एक परियोजना प्रतिवेदन में होता है। आगे जानते हैं परियोजना प्रतिवेदन के बारे में। परियोजना प्रतिवेदन का अर्थ होता है परियोजना प्रतिवेदन शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजना के संबंध में विभिन्न तथ्यों, सूचनाओं तथा विश्लेषणों का सारांश। यह किसी परियोजना के संबंध में विनियोग अवसरों के निर्धारण, मूल्यांकन तथा नियोजन के बाद तैयार किया गया एक प्रारूप है जो प्रस्तावित योजना के बारे में विविध जानकारी जैसे परियोजना के उद्देश्य, संक्षिप्त विवरण, वित्तीय संरचना, संयंत्र उपकरण, कच्चे माल, तकनीकी श्रम, विभिन्न भौतिक संसाधन, प्रबंधकीय व्यवस्था, बाजार, विपणन व्यवस्था, निर्यात लागत, लाभदायकता, रोकड़ प्रवाह आदि प्रदान करता है। यानी कि जो हमने परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है उसमें क्या होगा, जो भी हमारी भावी योजनाएं हैं, योजनाओं में हमारा क्या होगा, जब भी हम कोई व्यवसाय शुरू करेंगे हम पहले देखेंगे कि इसको शुरू करने के हमारे पास क्या उद्देश्य है या फिर इसे शुरू करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे को क्या कच्चा माल चाहिएगा, क्या नहीं चाहिएगा, इससे हमें कौन कौन से उपकरण चाहिए, बाजार में किस तरह से इसकी आवश्यकता है, कच्चा माल या फिर इसके जो उद्देश्य है, इसको शुरू करने का, इस व्यवसाय को शुरू करने का उद्देश्य क्या है, जो भी हमें इसमें संसाधनों की, भौतिक संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें हमें शुरू करने के लिए क्या हमारी लागत मूल्य है और उस लागत मूल्य पर हमें क्या लाभ मिलेगा, इन सब बातों को एक प्रतिवेदन में संक्षिप्त रूप में लिखा जाना ही परियोजना प्रतिवेदन कहलाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में एक लेखा सा बन जाता है कि हाँ, इस परियोजना में हमें ये लाभ होगा, इसमें हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होनी है और जो भी है विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। संक्षेप में, उद्योग की स्थापना से पहले उसके निर्माण, उसके संचालन, विपणन आदि की संपूर्ण जानकारी एक परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाई जाती है। इसी प्रतिवेदन के आधार पर ही आगामी वर्षों में उद्योग में होने वाले जितने भी उत्पादन के खर्चे हैं, उसके उद्योग की स्थापना करने में जो खर्चा आएगा, संचालन करेंगे यानी कि उद्योग को चलाने पर आने वाला खर्चा इत्यादि की गणना तो की ही जाती है, साथ ही साथ हम अंदाजा लगा पाते हैं इस प्रतिवेदन के सहारे कि इस परियोजना से हमें क्या लाभ होगा, इस उद्योग से हमें क्या लाभ होगा। अतः जब ये सारी जानकारी हमारे पास इकट्ठी हो जाती है उसके बाद ही हम एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते हैं और पढ़ने वाले के दिमाग में तुरंत आ जाता है हाँ, इस प्रतिवेदन को पढ़ने के बाद कि इस उद्योग को शुरू करने का इसका क्या मकसद है
और इससे क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। अब हम जानते हैं परियोजना प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं होती हैं। यह जब तैयार किया जाता है जब परियोजना में आने वाले प्रारंभिक बाधाओं को पार कर लिया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में आप कोई भी उद्योग शुरू करेंगे तो आपके पास 100 बाधाएं आएंगी, लेकिन इनको पार करने के बाद जब हमें लगता है कि हाँ हमें एक सटीक परियोजना की ज़रूरत है तो हम उसके लिए एक प्रतिवेदन भी तैयार करेंगे। यह परियोजना का एक विस्तृत प्रालेख होता है जिसमें संपूर्ण परियोजना का संपूर्ण विवरण दिया गया होता है, जो भी आपकी योजना है, जो भी आपने उद्योग के लिए सोचा समझा है, सब कुछ इसमें कम शब्दों में लेकिन समझा कर लिखा हुआ होता है। यह प्रतिवेदन परियोजना क्रियाओं का मार्गदर्शक होता है, यानी कि जो भी आपकी क्रियाएं होंगी, जो भी आपके कार्य होंगे, उनका ये एक मार्गदर्शक होता है। विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के पश्चात ही परियोजना के अंतिम आशुचित्र को दर्शाता है, यानी कि प्रतिवेदन को पढ़ने से हमें समझ आ जाता है कि जो ये परियोजना तैयार की गई है यह किस प्रकार की है, इसमें किस प्रकार का हमें फायदा होगा, किस प्रकार का नुकसान होगा और किन किन मुश्किलों का हमें सामना करना होगा। इन सब चित्रों को ये एक अच्छा परियोजना प्रतिवेदन दर्शा देता है। यह परियोजना क्रियाओं के अनुक्रम को भी दर्शाता है, यानी कि आप किस तरह से आपके स्टेप होंगे, किस तरह से आप जब अपना व्यवसाय शुरू करेंगे उस टाइम कौन कौन से स्टेप लेंगे, यह सब इस परियोजना प्रतिवेदन में लिखा हुआ होता है। दोस्तों, परियोजना प्रतिवेदन के बारे में जानकर, उसकी विशेषताओं को जानने के बाद चलिए अब हम चर्चा करते हैं उसके उद्देश्य क्या हैं। परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के उद्देश्य, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य तो है कि विनियोग अवसरों का मूल्यांकन किया जाए ताकि किसी श्रेष्ठ विनियोग प्रस्ताव का चयन किया जा सके। हम प्रतिवेदन के सहारे समझ सकेंगे कि हाँ हम किस प्रकार का विनियोग हमें इसमें करना चाहिए और उसका हम अच्छे से चयन कर सके और अपने उद्योग में उसको लागू भी कर सके। वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु विभिन्न बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं तथा विनियोग निगमों को परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना जरूरी होता है। जब भी आप किसी बैंक के पास जाएंगे पैसे के लिए या किसी वित्तीय संस्था से पैसे लेंगे, वहाँ सब के लिए सबको समझाने के लिए डिटेल की जगह आपको एक प्रतिवेदन की आवश्यकता होगी और यह परियोजना प्रतिवेदन यहाँ आपका सबसे ज़्यादा काम आता है। इसी आधार पर वे विनियोग प्रस्ताव की लाभदायकता का अध्ययन करते हैं कि हम यदि इतना पैसा इसमें लगाएंगे तो हमें इतना लाभ मिलेगा, और जब वो खुश हो जाता है, बैंक संतुष्ट हो जाता है, उसके बाद ही हमें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। विभिन्न दशाओं में परियोजना प्रतिवेदन उद्योग निदेशालय, सरकारी विभाग तथा जिला उद्योग केंद्र को भेजना भी आवश्यक होता है। जैसे जैसे उसकी ज़रूरत होती है उसके अनुरूप ही उससे संबंधित विभागों को यह भेजा जाता है। परियोजना प्रतिवेदन से अनुमानित लागत, जो भी आपकी हमने लागत सोची है उस लागत और जो हमें आय होगी उस सब का हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और नवीन परियोजनाओं के लाभ आदि की भी जांच एक परियोजना प्रतिवेदन के द्वारा ही संभव है। परियोजना प्रतिवेदन शुरू की जाने वाली परियोजना का एक संक्षिप्त विवरण दर्पण होता है। जो भी आपने परियोजना शुरू करनी है उसका यह एक दर्पण होता है। यह परियोजना के संबंध में विभिन्न शंकाओं को और जिज्ञासाओं को भी शांत करता है, उनका समाधान पेश करता है। यह सरकार वन एवं संस्थाओं द्वारा करों, छूट, आर्थिक सहायता, सुविधाएं तथा प्रेरणाएं प्रदान करने हेतु एक उपयुक्त आधार प्रदान करता है। परियोजना प्रतिवेदन विनियोग निर्णयों हेतु एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। उद्यमी इसके आधार पर अपनी परियोजना में भावी सुधार कर सकता है, एक प्रतिवेदन के आधार पर सोच सकता है कि यह हमें यहाँ पर यहाँ सुधार करना चाहिए। परियोजना प्रतिवेदन शुरू की जाने वाली परियोजना का एक संक्षिप्त विवरण तथा दर्पण है। तो दोस्तों, ये हमने जाना परियोजना प्रतिवेदन क्या होता है, क्या इसके उद्देश्य हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसी तरह और भी मुख्य हिंदी भाषा के मुख्य विषयों को समझने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।